हमारे साथ पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनय बिहारी जी हैं। सर, बिहार में एनडीए की सरकार तो है, बीजेपी अब तो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है एनडीए में, आप लोग के सपोर्ट से नीतीश जी सीएम है, लेकिन कई मुद्दों पे आप में और जेडीयू में टकराव है। जैसे आप लोग जो चीज़ नहीं चाहते हैं जेडीयू उसी के लिए प्रेशर बनाती है, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, शराबबंदी पर आप लोग सहमत नहीं हो, लोग शराबबंदी को नीतीश का ऐतिहासिक फैसला बताते हैं। अभी स्पीकर और नीतीश में विवाद हुआ जिसके कारण बीजेपी और जेडीयू के बीच की तल्खी और बढ़ी, तो क्या लग रहा है कि जेडीयू जो है आप लोग पर हावी होने की कोशिश हमेशा कर रही है? देखिए, अभी जनता दल यूनाइटेड जो है इस पोजीशन में है कि उसके बगैर सरकार चलाना संभव नहीं है, और इस बात को बीजेपी के भी लोग जानते हैं और जदयू के भी लोग जानते हैं। लेकिन जो हमारी स्थिति है बिहार में, मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए। अब चूंकि इस चीज़ पे, इस बात पे जो ए श्रेणी के लोग हैं, जो हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं, वो शायद मंथन करते भी होंगे या मंथन उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जनता जो चाहती है वह भी मैं वही कह रहा हूँ जो जनता का विचार भी है। और ये बात सही है कि अभी जदयू पार्टी इस स्तर पे है कि वो आरजेडी के साथ जाए तो भी सरकार बन सकती है, बीजेपी में है तो सरकार चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जदयू को मालूम है कि मेरे बगैर ये टेन्योर जो है, 5 साल का जो ये काल है, ये कोई भी सरकार मेरे बगैर नहीं चल सकती। मुझे लगता है शायद यही वजह है कि जदयू की कुछ बातें जो हैं वो हमारी पार्टी को नहीं अच्छी लग रही हैं। ये आप चाहते हैं कि, आपको ये लगता है कि बिहार की जनता भी चाहती है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो रिपीट हुई है और योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है उसे देखते हुए बिहार में भी जो भाजपा और बिहार के अंतर्गत जो अन्य लोग भी हैं जो दूसरी पार्टियों के भी विचार से सहमत रखते हैं अपने आप को, उन लोगों का भी विचार है कि एक बार भाजपा जो है अपना सीएम दे, अपना मुख्यमंत्री दे, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत चीज़ों में सुधार है उस तरह से सुधार हो बिहार में भी। आप पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, चौथी बार विधायक बने हैं, आपके नज़र में बिहार में बीजेपी के अच्छे सीएम चेहरे कौन हो सकते हैं, अगर आपसे सुझाव मांगा जाए तो? हमसे सुझाव मांगा जाएगा तो मैं तो तारकिशोर जी से बहुत खुश रहता हूँ, बहुत काम करते हैं, लेकिन चूंकि शीर्ष नेतृत्व ही इस पर कुछ बोल सकता है, मुझे बोलने का मौलिक राइट नहीं है क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं हूँ, एक सिंपल विधायक हूँ। और आपने 4 बार कहा, 4 बार से नहीं, 3 बार से हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वो अच्छा ही होगा। नेतृत्व हमारा बहुत संगठन मजबूत है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये मेरा अपना पर्सनल विचार हुआ, मैं उनके काम को देखते हुए बोला, लेकिन मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व मुझसे भी बेहतर सोच या विचार या व्यक्तित्व का चयन कर सकता है। आपको ये लग रहा है कि जदयू इसलिए आप लोग को ब्लैकमेल करती है क्योंकि उसको, बीजेपी को पता है कि आप लोग उसकी बात नहीं मानिएगा तो आरजेडी के साथ चली जाएगी? अब नेता वो नट है जो कहीं चित है कहीं पट है, किसकी क्या गारंटी है, किसी की कोई गारंटी नहीं है, कौन कब किसके साथ हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। आपको ये भी लग रहा है कि मोदी शाह के युग में अगर बिहार में भाजपा का सीएम नहीं हुआ तो आगे फिर शायद कभी ना होगा? नहीं, आगे होगा, ऐसा नहीं है, दुनिया वीरों से खाली नहीं है, और मुझे लगता है कि वो समय आएगा क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि एक बार भाजपा का अपना सीएम हो और उसे भी देखा जाए कि वो कैसा काम कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिहार बहुत प्रभावित रहता है, और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का काम चल रहा है, योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला है, मुझे लगता है कि बिहार में भी लोगों को ये मन में है कि यहाँ भी एक बीजेपी से ही सीएम हो और बिहार को उसी तरह संभाले। आपको लगता है कि अगर बीजेपी का सीएम बन जाएगा तो पार्टी को बिहार में मजबूती मिलेगी, 24 में चुनाव होना है तो हो सकता है उसमें बीजेपी अकेले लड़े, सब सीटों पे तो बड़ी जीत हो जाए? देखिए, अभी तक तो जो हमने देखा है कि जो देश का चुनाव होता है वो उसमें जनता अलग तरह से वोट करती है, और जो प्रदेश स्तर का चुनाव होता है उसमें जनता अलग स्तर से वोट करती है, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में गठबंधन रहा,
या बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम हुआ तो हम वो चमत्कार जो पहले किए हैं वो चमत्कार पुनः दोहरा सकते हैं और लोगों की आस्था भी मोदी जी के प्रति मतलब बहुत मजबूत है। तो देखिए यहाँ पे विनय बिहारी ने बड़ी मांग की है, उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। ये कह रहे हैं कि बिहार का एक एक कार्यकर्ता का इच्छा है कि बिहार में अब बीजेपी का सीएम बने। ये भी कह रहे हैं ये कि जदयू को मालूम है कि बीजेपी उसकी मांग को नहीं मानेगी तो आरजेडी के साथ चली जाएगी, इसलिए जदयू जो है बीजेपी को ब्लैकमेल करने का काम करती है, कह रहे हैं विनय बिहारी। कैमरा पर्सन सैलिस के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।